तो आज पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए पूरी तरह से पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लगातार हर एक अपडेट के साथ हम आप तक पहुंचा रहे थे। साथ ही आपको बता दें, काल भैरव मंदिर के दर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले किए थे और अब काशी विश्वनाथ जाने का उनका कार्यक्रम रखा गया है। पीएम मोदी क्रूज के जरिए धाम पहुंचेंगे। आप तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से क्रूज पर सवार होकर गंगा घाट का जायजा ले रहे थे। पीएम मोदी ललिता घाट से कमंडल में गंगा जल लेंगे और इसके बाद ही मंदिर परिसर में करीब डेढ़ घंटा वो बिताएंगे। मोदी इस कॉरिडोर को तैयार करने वाले 100 मजदूरों के साथ भोजन भी करेंगे, यानी कि बेहद महत्वपूर्ण बात ये है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज काशी जो है एक अलग ही रंग में रंगा नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने की, साथ ही काशी में किस तरह का उत्सव देखने को मिल रहा है, तैयारियां किस तरह से की गई हैं वो आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें, भव्य मंदिर का भव्य प्रसाद भी बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए प्रसाद की तस्वीरें, क्योंकि बहुत दूर दूर तक आज जिस प्रसाद को बांटा जाएगा, साथ ही पुलिस किस तरह से मुस्तैद है, सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं ये भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और तैयारियां किस तरह से की गई हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर। तो इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज काशी एक अलग ही रंग में रंगी नजर आ रही है। तैयारियां हालांकि बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और बेहद ही अलग होने वाला है। और इन 5 तस्वीरों से समझा जा सकता है कि आज कितना महत्वपूर्ण दिन हर किसी के लिए है, क्योंकि काशी में किस तरह का उत्सव देखने के लिए मिल रहा है साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे शाम को गंगा आरती में, जो काशी पहुंच रहे हैं। तो में आज ये बड़ा और एक बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है और काशी को एक ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 286 साल बाद एक नए अवतार में काशी विश्वनाथ धाम नजर आ रहा है। काशी का कायाकल्प, पीएम का संकल्प, जी हां, पूरी तरह से संकल्प होता पूरा दिख रहा है। जश्न में डूबा काशी, बम बम बोल रहा है बासी, बिल्कुल इसी तरह के कुछ नज़ारा देखने में काशी में मिल रहा है। काशी को कॉरिडोर की बड़ी सौगात मिलने वाली है। हमसे कुछ ही देर बाद उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, जी हाँ, तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी के थे, उनमें से ही एक ये था, इंतजार खत्म, सज गई बाबा की नगरी। बिल्कुल इंतजार अब खत्म हो चुका है और कुछ देर बाद ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कैसे बना काशी कॉरिडोर ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं इसी तरह से कुछ जलाभिषेक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी किस तरह से सजी धजी नजर आ रही है वो तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि कितने बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कई कलाकार भी वहां पर पहुंचे हुए हैं जो आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और इसी के साथ तमाम और कार्यक्रम भी रखे गए हैं। साथ ही आपको अब चलिए ये बता देते हैं कि काशी कॉरिडोर कैसे बना है। तो पहले चरण में 339 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है। तो पूरी तरह से काशी कॉरिडोर किस तरह से बनाया गया ये बता रहे हैं। हर रोज करीब 2000 मजदूरों ने काम किया, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े स्तर पर काम कराया गया। 2000 मजदूरों ने काम किया। कॉरिडोर का ये पूरा इलाका करीब 5 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है, यानी कितना बड़ा मंदिर है पता चलता है इससे ही। साथ ही इस कॉरिडोर को बनाने के लिए करीब 400 इमारतों का अधिग्रहण किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तैयार करने में 2 साल 9 महीने का वक्त लगा है, यानी कि वक्त बहुत ज्यादा लगा, जिसके बाद आज ये पूरा भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और लोगों को समर्पित ये होने वाला है। तो काशी विश्वनाथ धाम खास क्यों है आपको ये भी चलिए बता देते हैं। 5.25 लाख स्क्वायर फीट में ये काशी विश्वनाथ धाम बना है, इसकी खासियत क्या है ये बता देते हैं। साथ ही आपको बता दें कि छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर इसमें
मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ धाम की खासियत क्या है वो बता रहे हैं। पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। साथ ही कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा तो गया है, बड़े बड़े 4 और पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं। तो ऐसे में ये खासियत है कॉरिडोर में। मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र भी बनाए गए हैं। साथ ही कॉरिडोर में 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टी प्लस हॉल और सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी जैसी सुख सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। यानी मंदिर तो बनाया गया है लेकिन उसके साथ लोगों के लिए खूब सारी सुविधाएं भी उपलब्ध वहां पर कराई जाएंगी, ताकि लोग जब वहां पर पहुंचे तो सिर्फ मंदिर का ही नहीं बाकी और चीज़ों का भी लुत्फ़ वहां पर उठा सकें और किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, इसका भी बखूबी इंतजाम किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ये उद्घाटन होने जा रहा है, इससे एक टूरिज़्म को तो काशी में बढ़ावा मिलेगा ही, इसके साथ साथ तमाम लोगों को और ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलेंगी। एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से काशी में आज ये उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। उत्सव देखिए किस तरह से मनाया जा रहा है, तैयारियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम की किस तरह से की गई हैं ये भी देख रहे हैं। प्रसाद आज का बेहद भव्य होने वाला है। जिस तरह से देखिए अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के दौरान प्रसाद पर एक बहुत ज़्यादा एक काफ़ी रखी गई थी कि किस तरह से प्रसाद को तैयार किया जाएगा, कहां कहां पर प्रसाद को बांटा जाएगा। तो आज का प्रसाद भी बेहद ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है क्योंकि बहुत ही अलग ढंग से इस प्रसाद को तैयार किया गया है। साथ ही दूर दराज तक लोगों को ये प्रसाद बांटा जाएगा। जिस तरह से राम मंदिर के शिलान्यास के दौरान भी जब शिलान्यास हुआ था तो उसके बाद प्रसाद कई कई किलोमीटर दूर तक लोगों को बांटा गया था, तो आज यहाँ पर भी भव्य मंदिर का जब उद्घाटन हो जाएगा तो प्रसाद बहुत लोगों को बांटा जाएगा। तैयारियां उसके लिए पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितने लोगों ने मिलकर बैठकर ये लड्डू तैयार किए हैं। साथ ही आपको बता दें सुरक्षा के बहुत ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, बहुत ज्यादा कई पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। छावनी में पूरी तरह से काशी को आज तब्दील कर दिया गया है। और साथ ही अगर काशी कॉरिडोर की बात की जाए तो छावनी में काशी कॉरिडोर भी पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो तस्वीरें वो भी आप देख सकते हैं कि काल भैरव मंदिर में किस तरह से पूजा अर्चना उन्होंने की, इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरह से वहां पर हो रहे हैं वो तस्वीरें भी लगातार एक एक कर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व क्या है ये बता देते हैं। सबसे पवित्र शहरों में से एक काशी है, महत्व बता रहे हैं आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का। भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। तो खासियत ये क्या है काशी विश्वनाथ मंदिर की वो बता रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। साथ ही आपको बता दें काशी को भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय स्थान भी माना जाता है। तो यानी कि आज जो है मान्यता बहुत ज़्यादा है, मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा आस्था लोगों में देखने के लिए मिल रही है और उत्साह लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ी है, लोग पहुंचे हुए हैं घाट पर। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो काशी पहुंच चुके हैं, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी की, एक बहुत ही अलग तस्वीर आज काशी की देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल पारुल, अभी हमने काल भैरव मंदिर पहुंच के आरती की है और उसके साथ ही साथ काशी के लोग जो है वो सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि पीएम कब पहुंचेंगे और उनका नजारा पीएम का देखने लायक होगा और दूसरा मंदिर का देखने लायक होगा। तो भव्य नजारा है कह सकते हैं। और मोदी जो है वो पीएम हमारे उन्होंने पूजा अर्चना कर चुके हैं और अब इसके बाद पीएम मंदिर से निकल चुके हैं और अब अभिवादन जो है वहाँ के लोगों का उन्होंने स्वीकार किया है। इसके साथ ही साथ अब जो बैठक होगी इनकी और
अब आगे का जो बताया जा रहा है लगातार जो घाट है वहां की आरती में भी शामिल होंगे। तो कुल मिला के पारुल कहा जा सकता है आज का ये इतिहास जो है एक अलग पन्नों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जो मंदिर है उसका नजारा बिल्कुल ही अलग देखने को मिला, क्योंकि तैयारियां जो थी वो लगातार इसी बात को लेकर चल रही थी कि जब पीएम पहुंचेंगे तो उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है और खास तौर से जो आरती की जो थाली होती है वो अलग से बनाया गया था और जो पुजारी है उनको काफी देर से इसी बात का इंतजार था कि जब पीएम पहुंचेंगे तो उनके साथ बराबर से वो पूजा अर्चना में खड़े होंगे। तो जो लोगों के जो सपने थे वो आज पूरे जरूर हुए हैं, लेकिन जो जनता है वो अभी भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि आज मोदी जरूर पहुंचे हैं, क्या मिल सकता है, क्या सौगात और मिल सकते हैं काशी की जनता के लिए। बिल्कुल रूबी, और देखिए कई आज इस कार्यक्रम की अहम बात भी हैं, काफी महत्वपूर्ण चीजें भी हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद उद्घाटन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कर देंगे। इसके साथ ही आपको देखिए जिस तरह से जिन मजदूरों ने दिन रात काम कर मेहनत कर ये भव्य मंदिर आज जनता को दिया है तो उन मजदूरों के साथ भोजन भी करेंगे। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शाम की आरती में शामिल होंगे, तो कौन कौन से मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए पर अभी जो सूचना इसी बात को दी गई है जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल जरूर होंगे, लेकिन जो नाम है उसमें बहुत से नामों का भी खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर ये भी विराम है कि पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं या उत्तराखंड की बात करते हैं या इसके अलावा और जगह की अभी हम बात कर रहे हैं तो उन सभी जगहों के जो मुख्यमंत्री है वो जरूर शामिल हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है जो मंदिर है मंदिर के जो कारीगर है उनसे मुलाकात भी हो सकती है और इसके साथ ही साथ जो मंदिर में जो कलाकारी जो की गई है खासतौर से जो नक्शकारी की गई है वो देखने लायक है। तो मंदिर की जो सुंदरता है और ये कह सकते हैं जो भव्यता है वो कारीगरों के हाथों से एक एक तरीके से सजाया जरूर गया है, लेकिन उसमें जो जान फूंकने का जो काम है वो आज नरेंद्र मोदी के आरती करने के बाद से माना जा रहा है। खासतौर से अब शाम का इंतजार इसी बात को लेकर है जो दशोमेध घाट यहाँ का है वहाँ पे जब आरती की जाएगी उसमें बाकी जो उत्तर प्रदेश है खासतौर से यहाँ मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ वो पूरी तरीके से अगवानी कर रहे हैं, गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल वो पहुंची हुई हैं और खासतौर से इस बात का इंतजार है जब शाम को बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे इस आरती में वो नजारे का इंतजार जरूर है। पारुल जी चलिए ठीक है रूबी, आप नजर बनाए रखेगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो काशी में एक अलग ही नज़ारा एक अलग ही तस्वीर आज देखने के लिए मिल रही है, पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो लगातार एक एक अपडेट तो आप तो तक हम पहुंचा ही रहे हैं काशी में क्या कुछ हो रहा है। सीधे एक बार फिर से वहीं ले चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में जल लेने के लिए पहुंचे हैं और इसी जल से जल अभिषेक किया जाएगा, तो सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, शिव के भक्तों को प्रसाद भी दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें ललिता घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं, गंगा जल भरकर पीएम अब मंदिर की ओर बढ़ेंगे, डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और इसी कलश में जल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में पहुंचेंगे और मंदिर परिसर में इसी जल से जल अभिषेक किया जाएगा। तो बेहद ही आज महत्वपूर्ण और अहम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और एक एक हर छोटी से बड़ी जानकारी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी लगातार आप तक पहुंचा रहा है, हर एक अपडेट हम दे रहे हैं, तस्वीरें हर एक पहुंचा रहे हैं आप तक। पूजा अर्चना इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, गंगा नदी में पीएम ने डुबकी भी लगाई है, वो भी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में आज माँ गंगा को पीएम मोदी ने पुष्प भी चढ़ाया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आज बड़ी सौगात काशी को मिलने जा रही है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद उद्घाटन काशी कॉरिडोर का विश्वनाथ कॉरिडोर का करने वाले हैं और इसी कलश में गंगा जल भरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर जाएंगे और साथ ही मंदिर परिसर में इसी जल से जलाभिषेक किया जाएगा।
तो 286 साल बाद नए अवतार में आज काशी एकदम नजर आ रही है। बेहद ही भव्य और ऐतिहासिक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देख सकते हैं गंगा नदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगा रहे हैं और पुष्प अर्पित करते हुए भी नजर आए। और आपको बता दें कि यहीं से गंगा घाट से इस कलश में जल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां पर इसी गंगा जल से जलाभिषेक किया जाएगा। और ऐसे में डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते नजर आ रहे हैं। एक नया स्वरूप, नया काशी आज देखने के लिए मिल रहा है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ काशी में हो रहा है। क्योंकि अब देखिए, एक घंटे से भी कम का समय बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 1 बजे से 1:30 बजे के बीच का समय रखा गया है। आचारों से शुभ मुहूर्त ये निकलवाया गया था 1 से 1:30 बजे के बीच का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने गंगा में पुष्प भी अर्पित किए हैं। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गंगा घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ललिता घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, पुष्प भी अर्पित कर रहे हैं। साथ ही चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात देंगे, क्या कुछ कार्यक्रम उनका रखा गया है। तो दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच का उद्घाटन का मुहूर्त रखा गया है। आचार्यों से इसका शुभ मुहूर्त निकलवाया गया था। उद्घाटन का मुहूर्त पीएम मोदी जल मार्ग से ललिता घाट तक आएंगे। तो ऐसे में पीएम मोदी जल मार्ग से ललिता घाट पहुंच चुके हैं। ललिता घाट से गंगा जल लेकर मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, यानी कि आप देख रहे थे गंगा घाट पर पहुंचे हैं, गंगा जल बस लेकर मंदिर परिसर जाएंगे पूजा के लिए। देश भर की प्रमुख नदियों का जल मंगवाया गया है, यानी कि पीएम मोदी तो जल लेकर जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश भर से गंगा जल मंगवाया गया है, जिस गंगा जल से पूजा अर्चना ही जाएगी। प्रमुख नदियों का ये जल आज मंगवाया गया है, तो काफी विशेष पूजा भी की जाएगी वहां पर। तैयारियां पूजा की कर ली गई हैं। एक बार फिर से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ललिता घाट से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें देश भर की कई प्रमुख नदियों से गंगा जल मंगवाया गया है, लेकिन इसी नदी से, इसी घाट से प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जल लेकर पहुंचेंगे और इसी जल से जलाभिषेक किया जाएगा। तो ऐसे में विशेष पूजा की तैयारी की जा चुकी है। तो साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि पूजा की तैयारी में क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरह से तैयारियाँ की गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे, सभी 12 द्वादेश ज्योतिर्लिंगों के आचार्यों को न्योता भेजा गया है। साथ ही ऐसे में 11 आचार्यों के साथ जलाभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाभिषेक करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि चारों पीठ के पीठाधीश्वर और धर्म आचार्य मौजूद रहने वाले हैं। तो पूजा की विशेष तैयारी की गई है, वो आपको बता रहे थे कि किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी। और ऐसे में पूरी तरह से आज क्या कुछ होने वाला है, लगातार हर एक अपडेट न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, हर एक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि कब क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से उद्घाटन किया जाएगा, कैसी तैयारियां आज की गई हैं। तो ऐसे में लगातार पहुंचा रहे हैं और आपको वो भी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि गंगा घाट पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, ललिता घाट पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर डुबकी लगाते हुए भी पीएम नजर आए। साथ के साथ आपको बता दें पुष्पांजलि भी अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और इसी गंगा घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलश में जल लेकर जाएंगे और उसी जल से जलाभिषेक किया जाएगा। एक बार फिर से सीधे और लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, देख सकते हैं अभी भी गंगा घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां पर
पूजा अर्चना कर रहे हैं, डुबकी उन्होंने लगाई गंगा घाट पर, और ऐसे में अब कलश में जल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर की ओर बढ़ेंगे और 1 से 1.5 बजे के बीच में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया जाएगा। तो पीएम मोदी समय गंगा घाट पर मौजूद हैं, अब इसके बाद मंदिर परिसर की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां पर 1 से 1.5 बजे के बीच में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा और बेहद ही अलग और भव्य तस्वीरें आज काशी से सामने आ रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्घाटन जो होने वाला है अब से कुछ ही देर बाद, और पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट आज पूरा हो चुका है। 286 साल बाद आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो कायापलट है वो हो चुकी है। भव्य काशी आज एक अलग काशी देखने के लिए मिल रही है और एक अलग ही नज़ारा आज पूरे काशी में देखने के लिए मिल रहा है। पूरी काशी को आपको बता दें कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तो तस्वीरें आपने देखी, लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर परिसर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना भव्य, कितना बड़ा ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। हर रोजाना 2000 से ज्यादा मजदूरों ने इस मंदिर में दिन रात कर एक किया और काम किया, और उसी का नतीजा है कि इतना अच्छा काम कर आज ये जनता को बड़ा मंदिर दे दिया है। बड़ी सौगात आज काशी वासियों को तो मिल ही रही है, साथ ही साथ दूर दराज के लोगों को भी ये सौगात मिलने जा रही है। तो तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज काशी एक अलग ही नजारे में दिख रहा है। ये तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है काशी में उत्सव का किस तरह का माहौल है, ये देख सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, वो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके साथ ही आपको बता दें भव्य मंदिर का भव्य प्रसाद बनकर तैयार हो रहा है, यानी कि बहुत भव्य आज ये प्रसाद भी होने वाला है। दूर दूर तक लोगों को ये प्रसाद बांटा जाएगा। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, और वो तस्वीरें भी देख सकते हैं जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे और वहां पर उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती की, मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। तो ये पूरा आपको दिखा सकते हैं ओवरव्यू, एक जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का है वो देख सकते हैं कितना भव्य, कितना बड़ा ये मंदिर बना है। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा जगह में ये मंदिर फैला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह पर ये मंदिर बनाया गया है, निर्माण किया गया है, वो भी देख रहे हैं। ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आज इस मंदिर को सजाया गया है। और सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ही नहीं, पूरा काशी आज दुल्हन की तरह सज के तैयार हो चुका है। और जितनी खूबसूरत तस्वीरें अब इस दौरान नजर आ रही है, इससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें शाम के समय नजर आएंगी, क्योंकि जब पूरी काशी दुल्हन की तरह सज कर दिखेगी तो एक बहुत ही अलग और भव्य नजारा देखने के लिए मिलेगा। तो लगातार काशी में क्या कुछ हो रहा है वो एक एक अपडेट और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ पोल इंडिया।